हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आज भी अलर्ट का तीसरा दिन, पूरी बारिश है सुबह से और रास्ते में ऐसे पानी बह रहा है, पूरा देख सकते हैं आप, पूरा पानी पानी है। सुबह से बारिश अभी बंद हो रही है, 1:30 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं पूरा पानी बह रहा है। और आज एक खास दिन भी है, उत्तराखंड का एक छोटा सा लोक पर्व खतड़ुआ, जिसको हर साल मनाया जाता है आश्विन मास की संक्रांति के दिन। तो ये जुड़ा है कुछ जानवरों से, उनकी सुरक्षा के लिए उनसे एक वादे के रूप में कि उनके लिए जहाँ घास मिलेगी वहाँ से लाएंगे, जहाँ पानी मिलेगा वहाँ से पानी लाएंगे, कुछ ऐसा वादा किया जाता है उनसे। तो कुछ इस प्रकार से मनाया जाता है, रास्ते में बिरूल जलाया जाता है और वहाँ पर कहते हैं कि उस आग को लांगने से रोग दूर होते हैं। कुछ जाड़ों से जुड़ा हुआ भी है, जाड़ों से रक्षा के लिए आग जलाना और इस प्रकार से कुछ जुड़ा है वो त्यौहार। ये है हमारी गाय बैल, सुबह से जंगल से चर के आ चुके हैं, अब इनको घर को ले जाता हूँ। आज गोठ की साफ सफाई होती है और एक चीड़ के लकड़ियों का एक गट्ठर जलाकर गोठ में ले जाया जाता है एक डंडे से, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा अभी शाम के टाइम पे, अंधेरा होगा लेकिन आपको दिखाऊंगा जरूर। और बाकी आज का ब्लॉग छोटा सा रहेगा, इसी टॉपिक पे रहेगा, खतड़ुए पर। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं आगे। आज सुबह से बारिश हो रखी है तेज, तो कल मैं इसी रास्ते से आया था, कल यहाँ पानी नहीं था। आज आपको प्राकृतिक छोटा सा झरना भी दिखाऊंगा। आवाज तो आप सुन ही रहे हो, पानी आ रखा है, आज बारिश हो रखी है। तो गाइस अभी चार्ज भी कम है, लाइट नहीं है कल शाम से, तो सीधे शाम को थोड़ा सा खतड़ुए का सीन दिखाऊंगा आपको और सीधे शाम को मिलते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, शाम का सीन देखोगे आप लोग, क्योंकि लाइट नहीं है, ज़्यादा सीन मैं नहीं दिखा पाऊंगा आज का दिन भर का। और पीछे के पहाड़ दिखाई चुका हूँ आपको मैं, कोहरा लगा हुआ है। तो आज खतड़ुआ है, खतड़ुए के लिए ककड़ी भी तोड़ते हैं, ककड़ी काटेंगे वहाँ पर और उसके बीज होता है जो उसका टीका लगाते हैं आज खतड़ुए के दिन। एक ककड़ी तोड़नी है खतड़ुए के लिए, दो ककड़ी तोड़नी है। आज पापा का व्रत है क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, तो हवीक है आज और कल को श्राद्ध है, तो रायता बनाएंगे, दो ककड़ी यहाँ से तोड़ेंगे श्राद्ध के लिए। तो तोड़ता हूँ मैं, मिलते हैं शाम को खतड़ुए के सीन में। हेलो गाइस, अभी 5 बज चुके हैं और मौसम थोड़ा, बारिश बंद हो चुकी है और लाइट भी आ चुकी है। अभी अभी आ गई लाइट और पीछे कोहरा पड़ा हुआ है और अभी तैयारी हो रही है खतड़ुए की। पहले खाना खाते हैं क्योंकि पापा का व्रत है, श्राद्ध चल रहे हैं, कल को बूबू का श्राद्ध है, तो आज व्रत है पापा का, तो खाना जल्दी बन गया है। तो अभी खाना खाते हैं, उसके बाद खतड़ुआ करेंगे और आपको वीडियो भी दिखा। हेलो गाइस, अभी 6:30 हो चुके हैं, एक खतड़ुए के लिए ककड़ी लाया हूँ मैं, खतड़ुआ स्टार्ट हो चुका है। झरनों को कल कल नीरों पहाड़,
तो गाइस खतरवा मना लिया है। खतरवा इस बात का प्रतीक है कि आज से ठंड बढ़ जाती है, एक संकेत देता है, आज से ठंड भी बढ़ जाती है और गाय और जानवर जो भी हैं उनको एक वादा भी करते हैं आज लोग कि जहाँ घास होगी वहाँ से घास लाएंगे, जहाँ पानी होगा वहाँ से पानी लाएंगे और भूखा नहीं रखेंगे करके, और उनकी सुरक्षा के लिए जुड़ा हुआ एक त्योहार है। उनकी सुबह से उनके गोठ की साफ सफाई, जहाँ वो रहते हैं गौशाला की साफ सफाई करते हैं, तो यही कुछ होता है। खतरवा हो चुका है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक छोटा सा लोक पर्व है, त्योहार है, तो अभी ऊपर ताऊजी लोग भी मना रहे हैं, तो इतना ही कुछ होता है। हो गया है खतरवा, ये टीका लगा लिया, खकड़ी के बीज का टीका लगाते हैं आज, और ये जली है आग। खतरवा हो चुका है और बारिश अभी भी स्टार्ट है, अभी थोड़ा बढ़ गई है बारिश, तो अब अंदर चलते हैं और ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।